हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है गूगल शीट की और गूगल शीट में क्या सीखने वाले हैं आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर हमें लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में देखा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है। फॉर्मेट पे जाना है आपको और फॉर्मेट पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चले जाइए। यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये विंडो ओपन होगी। अब इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है इज नॉट एम्प्टी, किस हिसाब से आप लगाना चाहते हैं फॉर्मेटिंग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो सेलेक्टेड पार्ट है उसी पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इस सेलेक्टेड पार्ट पर ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर स्केल, ठीक है, तो अगर आप कलर स्केल करना चाहते हैं तो कलर स्केल करके भी लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ रेड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि रेड कलर के हिसाब से ये फॉर्मेटिंग आ रही है। ठीक है, वैल्यू या इस तरह की चीजों पर फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फिलहाल हम इसी पर फॉर्मेटिंग लगाते हैं, कुछ इस तरह से ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब जब इस पर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी एकदम से मतलब जो रेड में हो गया है, देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स हैं, यहाँ पे 16 मार्क्स हैं, तो देखिए 5 में और यहाँ पे देखिए 16 में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जो 5 मार्क्स है वो एकदम से रेड में हो गया है और जो 16 मार्क्स है वो थोड़ा सा कम रेड में है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स और फिर यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स में डिफरेंस देखिए। और बाकी जो 80% या 75% से अबव है उनकी स्थिति आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से दिखा रहा है। ये देखिए 90% है इनका, तो ये एकदम व्हाइट में है, 64% थोड़ा सा रेड है, 55% उससे ज्यादा रेड है, यहाँ पे 5 मार्क्स उससे भी ज्यादा रेड है। तो देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, तब तक के लिए आपको ये पता चल गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके कैसे आप पर्टिकुलर वैल्यूज को डिस्प्ले करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।